तो बैंक निफ्टी भी मूड में 200 पॉइंट ऊपर की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, 13,000 बिल्कुल करीब आ गया। धन्यवाद हेमंत आपका और आपको, शैल जी को, सीएनबीसी की पूरी टीम और दर्शकों को हमारे तरफ से सुप्रभात। और जो शुरुआत हुई है दिवाली की, धनतेरस की, और गुजरातियों में ये नया साल भी माना जाता है, संवत 2077 की जो शुरुआत हुई है ये मेरे ख्याल से बहुत ही मजबूत स्तर पर हुई है और काफी सालों बाद इस तरीके की शुरुआत हम देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से 13,000 अब एक सिर्फ आंकड़ा रह गया है हेमंत, और भी कई ऊंचाई है जहां पर हम जाकर के पहुंचेंगे। खाली एक ही नम्र विनंती है, छोटी या मध्यम अवधि में अगर आपने निवेश किया है तो आपको निरंतर आपका जो छोटी अवधि का निवेश है उस पर थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए, और समय समय पर जब आपको, आपके अनुसार जब आपको मुनाफा हो रहा हो तो आपको मुनाफा भी समेटना चाहिए। लंबी अवधि के निवेशक निश्चिंत रहे, गिरावट पर खरीदारी करते रहे अच्छे शेयरों में। और एक बात यह है कि शेयर के अलावा सोने में निवेश की राय दी है, और हमारा ये मानना है कि शायद 20-25% रिटर्न सोने में आपको आने वाले साल डेढ़ साल में मिल सकता है। और हमने आप ही के साथ बात करते हुए, आशीष के साथ बात करते हुए, सिर्फ शेयर बाजार में नहीं सोने में भी थोड़ा बहुत निवेश कीजिए, चाहे वो गोल्ड ETF हो, सॉवरेन बॉन्ड हो या फिर फिजिकल गोल्ड हो, लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा निवेश आप सोने में भी कीजिए। हमें लग रहा है कि यहाँ पर भी आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है। और निवेश के रूप में हेमंत, एक स्टॉक जो हमने चुना है थोड़ी बहुत मध्यम या लंबी अवधि के लिए, वो है आरती इंडस्ट्रीज, और लक्ष्य है 1300 का। पूर होनी चाहिए। गौरांग सर, कोई ट्रेडिंग के लिहाज से बढ़िया स्टॉक बताइए। आरती इंडस्ट्रीज तो आपने बताया, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर, ट्रेडर्स क्या करें बताइए। तो मेरे ख्याल से आप लोग धातु क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, और अभी शुरुआत में आपने बताया था टाटा स्टील में कोई गोरो ने अपना लक्ष्य जो है ऊपर की तरफ बढ़ाया है, तो अगर धातु क्षेत्र में छोटी या मध्यम अवधि के लिए अगर आपको निवेश करना है तो हमें टाटा स्टील ज्यादा पसंद आएगा। और ये जो 500-510 के बाहर निकला है हेमंत, जो हमारी जानकारी है और जो मैं समझता हूँ, वो मेरे ख्याल से काफी लंबे समय बाद आपको यहाँ पर ये चाल देखने मिल रही है। तो अगर शॉर्ट टर्म या फिर छोटी या मध्यम अवधि में अगर आपको कहीं निवेश करना है धातु क्षेत्र में, तो टाटा स्टील को मैं ज्यादा तवज्जो दूंगा। जो बयान मैनेजमेंट ने दिए हैं, मेरा ये मानना है हेमंत के जो घबराहट या फिर जो चिंता के बादल मंडरा रहे थे इसके ऊपर, वो धीरे धीरे करके छट रहे हैं, और कारोबार को लेकर के, नई विस्तार योजनाओं को लेकर के स्पष्ट रूप से रणनीति सामने आ रही है। हमने मेरे ख्याल से कल ही जिक्र किया था टाटा स्टील का, स्टॉक करीबन 520 या 525 तक गया था और आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली। ये जो नीचे के तरफ के दायरे देख रहे हैं, हम खरीदारी का मौका हम ढूंढ के चल रहे हैं। पहला लक्ष्य हमारा होगा करीबन 620 का, और अगर जो मैनेजमेंट ने अभी अभी बयान दिए हैं उसके ऊपर नतीजे बेहतर आए तो ये लक्ष्य हम और भी ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा, आपका कोई ट्रेडिंग आइडिया बताइए ऐसे बाजार में, 12,900 के देखिए ऊपर अब निफ्टी निकल चुका है, बैंक निफ्टी में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है, कोई टॉप कन्विक्शन आइडिया? ऑटो क्षेत्र मेरे ख्याल से काफी चर्चा में है, अभी आप लोग M&M और एस्कॉर्ट्स की बात कर रहे थे तो मुझे वीरेंद्र की याद आ रही है हेमंत, क्योंकि मुझे पता है 50 के स्तर पर वीरेंद्र मुझसे पूछ रहे थे इसी शो में कि ये थक जाता है 50 पे जा करके अशोक लेलैंड, क्या इसके पार जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। और आज वास्तविकता और हकीकत यह है कि 50 रुपए से 2 गुना होने की तैयारी में है मेरे ख्याल से, करीबन 94-95 के आसपास अशोक लेलैंड का स्टॉक काम कर रहा है। तो अगर छोटी या मध्यम अवधि में आपको दाव लगाना है तो हमने ये स्टॉक मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन में भी हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है, ये डिस्क्लोजर है हमारे तरफ से, और लक्ष्य हम बना करके चल रहे हैं करीबन 115-120 का। ये मैं छोटी या मध्यम अवधि की बात कर रहा हूँ। चलिए।